मैं आपने उस मालक के बारे में एक कथा सुनाना चाहूँ जो पूरी दुनिया के मानसा की जिंदगी बदल लिया से। यह कथा किसी की बनाई होड़ ना से, यह कथा पवित्र शास्त्र बाइबल ते ले राखी से, जो उस मालक की बाणी से न्यू करके यह साची और विश्वास करने लायक से। एक के मालक से और वो परमेश्वर परम प्रधान से। परमेश्वर किसी भी मानस, आत्मा, धार्मिक गुरु, सरकार या भगवान ते ताकतवर से जिसकी मानस आराधना करें से। शुरुआत में कुछ भी कोन्या था उस मालक के अलावा। जब मालक सब की मैं बनान लग गया तब वो सिर्फ बोलिया और सब की मैं असल में बन गया। मालक ने धरती पे और स्वर्ग में सब की मैं बनाया। उसने इसी चीज बनाई जिसने हम देख ना सकते। जुकर स्वर्गदूत, स्वर्गदूत घनी सोनी आत्मा से जो स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा और आराधना करें से। और उसने सब की मैं भी बनाया जिसने हम देख सका से। जुकर सूरज, चांद और तारे, धरती, सारे पेड़े, पौधे और डांगर ढोर। और आखिर में उसने लोग और लुगाई करके मानस अपने रूप में बनाए। मालक ने सब की मैं बना के बोलिया के घना अच्छा से। परमेश्वर ने लोग और लुगाई के रहन खातर बाग बनाया और हर दिन वे उस गेलिया चालिया करते और उनका उस गेलिया और आपस में अच्छा संबंध था। मालक ने उस ताई कही कि तुम बाग की देख रखो और इसका आनंद ठाओ। मालक ने उसते एक खास बात कही। उसने न्यू कहा कि तुम बाग के किसी भी पेड़े का फल खा सको सो, सिर्फ एक पेड़े का फल जो बण के बीच में से मत खाना। गर तुम उसका फल खाओगे तो जिब्बे मर जाओगे। मानस और उसकी लुगाई का रिश्ता परमेश्वर और एक दूसरे गल्या बढ़िया था। पर के तमने याद से वे स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने बनाए थे उससे मैं ते एक स्वर्गदूत घना घमंडी हो गया। वो परमेश्वर की तरिया बनना चाहे था और दूसरे स्वर्गदूत ते परमेश्वर की जगह अपनी आराधना करवाना चाहे था। पर एक के परमेश्वर से जिसकी आराधना करनी चाहिए, इसी कारण मालक ने वो घमंडी स्वर्गदूत स्वर्ग तय बाहर काट दिया और हम उस स्वर्गदूत ने शैतान कमा से। और परमेश्वर ने वे स्वर्गदूत भी स्वर्ग तय बाहर काट दिए जो उसके पाछे चालिया करें थे। वे बुरी आत्मा थी एक दिन शैतान ने वालू गाई उस पेड़े का फल खान खातर बरमाई जो मालक ने मना कराया था। उसने उसते न्यू पूछा कि परमेश्वर ने साची कही से कि तुम बाग के किसी भी पेड़े का फल ना खा सकते। लुगाई ने न्यू कहा कि नहीं, हम किसी भी पेड़े का फल खा सका से, सिर्फ उसने छोड़ कर जो बाग के बीच में से। अगर हम उसने खावांगे या छुआंगे तो मर जाएंगे। पर शैतान ने उसते न्यू कहा, तुम नहीं मरोगे बल्कि खुद परमेश्वर की तरिया बन जाओगे। लुगाई ने शैतान की बात सुनकर फल खा लिया और अपने मानस तय भी दिया और उसने भी खा लिया। दोनों ने उस दिन पाप कराया। परमेश्वर की बात या हुक्म ना मानना पाप से। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र से। जब हम उसकी बात या हुक्म ना मानते तो वो हमने सजा भी देवे से। परमेश्वर ने ये दोनों लोग लुगाई बाग में ते काट दिए। हमेशा ताही उस मालक गेल्या इनका रिश्ता भी टूट गया।
उस लोग और लुगाई की तरियां हमने पाप करया से महारा परमेश्वर गेलियां रिश्ता टूट रहा से और पाप की सजा से नरक में हमेशा ताही सजा भोगना। इस तरियां हम परमेश्वर गेलियां हमेशा ताही ना रह सकते जिसे हम उसमें बना रखे से ईब के करया जा सके से। वक्त बीतण गेल्या धरती पे मानसा की संख्या भी बढ़ती गई। यह बात साची से है कि उन्होंने पाप करया और मालक फिर भी उन तक घणाई प्यार करया करया था और उस गेल्या रिश्ता राखना चाहवे था। परमेश्वर ने अपने एक दास के जरिए 10 हुक्म दिए। न्यू याद करो कि परमेश्वर सिद्ध और पवित्र से ते हमने भी सिद्ध और पवित्र बनना से उस गेल्या रहन खातर। ये 10 हुक्म सिखावे से कि मानस क्युकर परमेश्वर गेल्या और एक दूसरे गेल्या सही रह सके से। उनमें तो कुछ हुक्म इसे से दूसरे भगवाना की आराधना या पूजा ना करें, कोई मूर्त ना बनावें, अपने माँ बाप का आदर करें, झूठ ना बोलें, चोरी चकारी ना करें, हत्या ना करें, दूसरे की चीजा का लालच ना रखें, व्यभिचार ना करें। पर कोई भी इन बातों ने पूरी ना कर पाया। जद कदे वे पाप कर दे परमेश्वर उन तय पाप की सजा दिया करता और पाप की माफी मांगण का मौका दिया करता और एक बलिदान चढ़ाण का हुक्म दिया करता जो उनकी सजा की जगह लिया करता। यह बलि एक जानवर के खून बहण तय पूरी होया करती। जद वे यह बलि कराया करते ते मालक ने न्यू प्रार्थना कराया करते कि वो उन्होंने माफ करे और उनकी जगह जानवर ने मरण दे। सिर्फ खून के बहण तय किसी मानस के पाप माफ हो सके से। पर जुकर बखत बीतन लग गया वे अपने पापा तय दुखी कोना होया करते। उनके बलि बस रीति रिवाज बनकर रह गए। परमेश्वर बोलिया, बस बहुत खाली बलि चढ़ाली तुमने। जानवर बलि करके उन्होंने बेरा पाटिया कि वे अपने आप परमेश्वर धोरे नहीं आ सकते। इब के कराया जा सके से। परमेश्वर फिर भी संसार के मानसा तय घना प्यार रख्या करता। न्यू एकदम ठीक बखत पे परमेश्वर ने यीशु मसीह भेजा कि वो मानसा ने दिखावे कि वे उस गेल्या अपना रिश्ता क्यों कर हटके जोड़ सका से। यू प्रभु यीशु कुण से? यू प्रभु यीशु परमेश्वर का एकला बेटा से। प्रभु यीशु एक घने बढ़िया शिक्षा देने आले थे। मानसा ने उसकी सुनके घणाए अच्छा लाग गया करता क्योंकि वो न्यू सिखाया करता कि परमेश्वर धोरे आ जाओ। यीशु एक चमत्कार करने वाला गुरु भी था। एक बार सब मानस दिन भर उसकी बात सुनन खातर आए। उस वक्त सब मानस भूखे थे ते प्रभु जी ने 5 रोटी और 2 मच्छी प्रार्थना करके उन सब में बांटी। 5,000 मानस खाके छक लिए। प्रभु यीशु मैं वो सामर्थ्य से जो मारी सब जरूरता ने पूरा कर सके से। दूसरी बार यीशु ने बड़ी झील अपने चेल्या गेल पार करी। जब प्रभु यीशु सोए थे तब झील में बड़ा ही तूफान आ गया। चेल्या ने
प्रभु जी जगाए और न्यू कया, गुरु जी हम सब मरण आड़े से। प्रभु यीशु खड़े होकर हवा और लहर ते न्यू बोले, चुप हट जा। हवा और बारिश जिबे डट गए। न्यू प्रभु यीशु संसार में हर सामर्थ के ऊपर से। प्रभु जी झील पार करके दूसरे कान्ने पहुंचे ते एक घना खतरनाक मानस उसते मिलया जो कब्र में रहा करता। उसमें घनी दुष्ट आत्मा थी और वो घना खतरनाक मानस था। यीशु जी ने वो देखा और उसते भी प्रेम करया। उसने दुष्ट आत्मा तय कह कह हुक्म दिया कि तुम लिकड़ जाओ। वे सब दुष्ट आत्मा उस मानस में जिब्बे छोड़ कर लिकड़ गई और उसका दिमाग ठीक हो गया। न्यू यीशु जी की सामर्थ आगे दुष्ट आत्मा कुछ ना कर सकती। किसी और दिन प्रभु यीशु का एक दोस्त बीमार हो गया और मर गया। कुछ दिन पाछे प्रभु जी अपने दोस्त की कब्र पर गए। यीशु जी अपने दोस्त की कब्र ने देख कर रोवन लागे। प्रभु जी कब्र आगे आके कहन लागे कि दोस्त बाहर लिकड़ जा। उसका दोस्त जिंदा कब्र में ते लिकड़ आया। न्यू प्रभु यीशु जी की ताकत मौत ते भी घनी महान से। इस तरह प्रभु जी ने ये सारे काम करे क्योंकि वो हम सब ने प्यार करे से और चाहे से कि हम सब परमेश्वर द्वारे वापस आ जा। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था। वह घना बढ़िया गुरु और चमत्कारी मानस था। जितने मानस दुनिया में जिए सब ने पाप करया। केवल यीशु ईसा था जिसने कदे कोई पाप ना करया था। सिर्फ वोहे इसे थे जो पाप की सजा के हकदार ना थे। घने मानस यीशु ने प्यार करे थे पर कुछ धर्मगुरु इसे थे जो यीशु ने नफरत रखा करते। उन्होंने यीशु गिरफ्तार करया और अदालत में ले जाकर उसने मारण का फैसला करया। उन्होंने यीशु एक बड़े क्रूस पे टांग दिया। उन्होंने उसके हाथ और पांव क्रूस पे किलना तक ठोक दिए। न्यू यीशु क्रूस पे टांगया गया। उसका कीमती खून धरती पे गिरन लग गया। उसने जोर दे के कहा कि सब किमें खत्म हो गया। योहे यीशु मसीह सब तय आखर और साचा बलिदान बने। परमेश्वर हमने प्यार करे से उसने यीशु मसीह मारी खातर क्रूस पे मरण खातर भेज दिए। प्रभु यीशु ने मारे पापा की सजा ठाई। सिर्फ खून के गिरण तय मारे पाप माफ हो सका से। किसी ने मारे पाप की कीमत दी। प्रभु यीशु के मरण के बाद उसके साथियों ने उसकी लाश कब्र में संभाल कर धरी। पर यह कहानी याड़े खत्म ना होती। इस घटना के 3 दिन बाद यीशु मरया होड़ मानसा में ते जी उठ्या और घने मानसा ने दिखाई दिया। उसने यह बात साबित करी कि वो परमेश्वर का बेटा से। फिर वो परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में वापस चल लिया गया। प्रभु यीशु ने मारे पाप अपने ऊपर ठा लिए और इब मारे ते एक राह दिखाई जिसते हम परमात्मा के द्वारा वापस आ सका। वो है हमने परमेश्वर द्वारा वापस जान की राह दिखावा से।
जब यीशु मसीह धरती पर आया करते उस वक्त उसने यह कहानी सुनाई। एक जवान छोरे ने अपने बाप तक कहा कि बाबू जायदाद में तय मेरा हक मन दे दे। वो जवान छोरा अपना सब की मैं लेकर दूर देश चला गया। उसने अपना धन गलत कामा में उड़ा दिया। जब उसका सब की मैं खर्च हो गया उसने सब तय निचा समझनाड़ा काम कराया यानी सूरा ने चराना। एक दिन उसने होश आया। उसने न्यू सोचा कि तेरे बाबू के नौकरा ने कि मैं खान की कोई कमी ना सें और तू याड़े भूखा मर रहा सें। उसने न्यू कहा कि मैं अपने बाबू दौरे वापस जाकर कहूँगा कि बाबू मन्ना स्वर्ग और तेरे खिलाफ पाप कराया सें। मैं इब आपका बेटा कुआन लायक ना सूँ। दया करके मन्ना अपने एक मजदूर की तरियां राख ले। न्यू सोच के वो अपने बाबू ते मिलन चालिया। जब वो दूरी था ते उसका बाबू उसने देख के घना तरसते भर गया। वो अपने इस छोरे कान भाग्या और उसने गले ला के घनाए लाड प्यार करया। ये छोरा अपने बाबू ते न्यू कहन लग गया के बाबू मन्ने स्वर्ग और तेरे विरोध में पाप करया सें। इब मैं तेरा छोरा कुआन लायक नहीं सूं। पर बाप अपने नौकर चाकरा ने कहन लग गया घने तावल करके अच्छा लत्ता चाल इस ते पर आओ। इसकी आंगलियां में गुट्ठी और पाँव में जुत्ती पर आओ। आओ हम दावत करें और खुशी मनावें क्योंकि मेरा छोरा खो गया था पर इब मिल गया। हम सब इस जवान छोरे की तरिया से हम सब ने पाप कराया से और अपने साचे बाबू ते दूर से। पर हम इस छोरे की तरिया अपने परमेश्वर दौरे वापस आ सका से। हमने अपने पाप खातर माफी मांगनी से उसके दौरे वो जीवन पावन खातर आवे से जो एक बाप अपने सारे बालका ने देना चाहवे से। प्रभु यीशु ने कहा कि राह सच और जीवन मैं सूँ। बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर धोरे ना जा सके से। के तुम चाहो सो प्रभु यीशु तुमने पिता परमेश्वर धोरे वापस ले चाले। यो ही यीशु हमने परमेश्वर दौरे लिया सके से। परमेश्वर दौरे वापस जान खातर आपने न्यू मानना पड़ेगा कि आपने उससे के खिलाफ पाप कराया से। आपने न्यू विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ने आपके पापा की सजा अपने ऊपर लेके जान दे दी और आप उस परमेश्वर ने न्यू कहें कि मन ने माफ कर दो। परमेश्वर का बालक होने के नाते आपने यू विश्वास रखना से कि यीशु ही आपने परमेश्वर दौरे लिया के अनंत जीवन दे सके से। इस वक्त तय आपने एक नए गुरु के रूप में यीशु का हुक्म मानना से। पवित्र शास्त्र में न्यू लिखा से परमेश्वर ने दुनिया तय ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना एकला बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना होए लेकिन अनंत जीवन पावे। आप उस जवान की तरिया परमेश्वर दौरे वापस आ के न्यू बोल सको सो। झुककर वो छोरा बोलिया परमेश्वर मैं जानू सूं कि आप मन्ने प्यार करो सो। मन्ने आपके खिलाफ पाप करया से और मैं माफी चाहूं सूं। मैं प्रभु यीशु पे उस बलिदान के रूप में विश्वास रखूं सूं जो उसने मेरी सजा ठावण खातर करया से। परमेश्वर दया करके मन्ने माफ कर दो। इब तय मैं सहमत सूं कि यीशु मेरा मालक से और मैं उससे का हुक्म मान्या करूंगा। आपके बेटे के रूप में नए और अनंत जीवन खातर मैं आपका धन्यवाद करूं सूं। क्यों ना आप उसने इब्बे पुकार के कहो। अगर आपने परमेश्वर ताही पुकारया से तो आप हमेशा ताही उसके बेटे बन गए। परमेश्वर चाहवे से कि दूसरे भी जाने कि आप उस परमेश्वर के बेटे बन गए। परमेश्वर की सिर्फ यही योजना नहीं से कि सिर्फ आप ही उस दौरे आवें
पर वो तो आपके मित्रा ने और कुणबे आलिया ने भी विश्वास में लेना चाहवे से कि उनका भी आपस में और परमेश्वर गेल्या अच्छा संबंध बन सके। आप किसने जानो सो जिसने यह कहानी सुनने की जरूरत से लोग और लुगाई का आपस में और परमेश्वर गेल्या अच्छा रिश्ता था। परमेश्वर ने न्यू ये मानस बनाए से कि वे आपस में और परमेश्वर गेल्या अच्छा रिश्ता बनाकर रह सकें।